आहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका शहर शहर खबर खबर में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर पहुंचे, जहां सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। इसके साथ साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इसे रोकने का प्रयास किया गया, देश में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, वो साइंटिस्ट को साइंस समझा सकते हैं, वो भगवान को भी समझा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान से ज्यादा उन्हें पता है। भारत में अलग भाषा अलग धर्म के लोग एक साथ रहा करते थे, ये सोच गलत है कि एक इंसान को सब कुछ पता है। ये एक बीमारी है हमारे देश के कुछ समूह में, जिन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, शायद भगवान से भी ज्यादा पता है। सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में भारतीय को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, सैन फ्रांसिस्को की धरती में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। पहले वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पर भी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने संबोधित करते तमाम तरह की बातें कही थी। मैंने आपको बता दूं जो इस तरह उन्होंने कहा था कि माइक टेप किए जाते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है, संसद में सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने भी कही थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को यहाँ निखारा बनाया जाता है और भारत में जो राजनीति है उसका स्तर खराब हो चुका है और लगातार सत्ता पे आती सरकार लोग तानाशाही रवैया अपना रही है। तो ये बात कर रहा हूँ मैं राहुल गांधी की। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे, जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, सभा में बयान दिया था। उसके बाद से लगातार हम देख रहे थे कि सपा भाजपा के बीच में, कांग्रेस भाजपा के बीच में लगातार आरोप प्रत्यारोप दौर शुरू हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र सरकार लगातार राहुल गांधी के बयान पर उनको घेरने का प्रयास कर रही थी और ये कहा जा रहा था ये बात गलत है। इस तरह से बाहर जाके भारत का विरोध करना, भारत की बुराई करना, अपने देश की जो संस्कृति है, अपने देश की अच्छाई है उसकी तारीफ न करके यहाँ की बुराई करना, कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप लगाना कि माइक बंद कर दिया जाता है, ये गलत है और विदेश में जाकर इस तरह की नीति राहुल गांधी खड़ा रहे। और आज भी वही स्थिति हुई। राहुल गांधी की अगर बात करें तो फ्रांसिस्को में मोहब्बत का एक कार्यक्रम था, वहां पर वो गए थे और वहां पर भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया किस तरह से रोकने का प्रयास किया गया नंदिनी। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और जनता के साथ साथ पार्टियों का भी शोषण किया जा रहा है, सरकारी जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और यहाँ पर एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है जो कि आने वाले समय में देश के लिए क्या पूरे विश्व समुदाय के लिए खतरनाक है। गौरव, उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को, उन्होंने वहां पर जाके बोला कि विशेष समुदाय को अब डर लगता है, विशेष समुदाय को ये लगता है कि सिर्फ अब उन्हें एक तरफा टारगेट किया जाता है। देखिए राहुल गांधी की अपनी विचारधारा है ऊपर, यहाँ पर अगर बात करें, देखिए नन्ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो भी योजनाएं बनती है केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर जनता को मिलता है और किसी को टारगेट करना ना करना वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर समय समय बयान आते रहते हैं। भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त है और समान अधिकार के तहत सब अपनी जिंदगी जी सकते हैं। सबको न्याय की बात करें, चाहे सरकारी योजनाओं की बात करें, चाहे आवास की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे इधर घर की बात करें, चाहे राशन की बात करें, सबको यहाँ पर समान लाभ दिया जा रहा है। अब चूंकि राजनीति है और राजनीति हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस समय टकर हो चुकी है, कोई ओबीसी वर्ग की बात करता है, कोई हिंदू धर्म की बात करता है, कोई ब्राह्मण धर्म की बात करता है, तो कोई यहाँ पर मुस्लिम वर्ग की बात करता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के नागरिक और भारत के नागरिक के साथ होने के नाते उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए और राजनीति का खेल हमेशा बनाया जाता रहा है। अब विशेष समुदाय में तमाम लोग आते हैं, अगर आप बात करें प्रत्येक वर्ग की नजर तो उसमें सिख धर्म भी आता है, तो जैन धर्म भी आता है, तो बौद्ध धर्म भी आता है, उसमें मुस्लिम वर्ग भी आता है। तो केवल ये बात कहना कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग को परेशान किया जा रहा है, तो ऐसा जो आरोप है वो यहाँ आरोप चलते रहते हैं, उसे सच्चाई सब जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि चुनाव आता है, इस तरह की जो आरोप प्रत्यारोप के दौरान वो चलते रहेगी। बताइए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर अब सपा भी चलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने बूथ स्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर नए सिरे से कमेटियों का 20 जून तक गठन का लक्ष्य है। दूसरी ओर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। शिविर में मुख्य रूप से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
पहला प्रशिक्षण शिविर 4 से 5 जून को लखीमपुर खीरी में होगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट, बूथ सत्यापन, बूथ स्तर की रणनीति, वोटर लिस्ट से जुड़े काम, वोटर से संपर्क बनाने की बारीकी को सिखाया जाएगा। प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने सपा की नई रणनीति पर कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव बूथ पर होता है और वोट भी बूथ पर पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता संदेश को जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत किसी भी पार्टी की मजबूती होती है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर एक बार फिर से हम रुख करेंगे ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव, लगातार जिस तरीके से पार्टियां 2024 के मिशन में लगी हुई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने अब एक नई रणनीति बना ली है। बिल्कुल, देखिए अगर आपको बीजेपी से यहाँ पर पार पाना है, ऐसी चुनौती पेश करना है, तो आपको बूथ स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा। बीजेपी पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर पर मजबूत है, वो हमने लगातार देखा, तमाम चुनावों में हमने देखा है। वहाँ पर पन्ना प्रमुख की भूमिका होती है। पन्ना प्रमुख अगर हम देखें तो कई बार हमने देखा है केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह भी पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख यानी पन्ने में आए गए लोगों की संख्या, वोटर के नाम, उनकी जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख के ऊपर होती है। कैसे उसको अपने पक्ष में किया जाए, कैसे उनका जनाधिकार, उनका जो मताधिकार है, अपने पाले में किया जाए, अपने पक्ष में कराया जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जानती है कि अगर बूथ स्तर तक मजबूत नहीं हो तो उसका लाभ नुकसान हमको हो सकता है। और बीजेपी चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार जद्दोजहद का काम करने का काम कर रही है, रणनीति बना रही है। बूथ जीतो चुनाव जीतो जो मंत्र है वो दिया गया है, इससे पार्टी से यहाँ पर शिविर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा नतीजे अगर हम बात करें तो 9 जून से यहाँ पर जो एक कार्यकर्ता शिविर भी लगाया जाएगा, शुरुआत की जाएगी अभियान की लोकसभा चुनाव के लिए। ये अभियान की शुरुआत नवीकरण से होगी। नवीकरण के माध्यम से एक संदेश दिया जाएगा, धार्मिक आस्थाओं का संदेश भी होगा, हिंदुत्व का संदेश भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर चुनाव के लिए रणनीति बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब बीजेपी को यहाँ पर कड़ी चुनौती देने की पार्टी मैदान में उतर चुकी है। और यहाँ पर इससे 5 जून तक यहाँ शुरुआत होगी, 20 जून तक अभियान चलेगा, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, बताया जाएगा बूथ में कैसे काम करना है, बूथ में कैसे व्यवस्थित करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, जिससे की आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में नुकसान ना हो, बल्कि पार्टी यहाँ पर ज्यादा सीटें जीत कर आए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ किए गए व्यवहार और 28 मई को उन्हें हिरासत में ले जाने की निंदा की। साथ ही यूडब्ल्यूएफआई को निलंबित करने की धमकी भी दी है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने कहा कि ज्यादा चिंता की बात यह है कि विरोध मार्च शुरू करने के लिए पहलवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच पर भी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने निराशा जताई। उसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्ष जांच का आग्रह भी किया है। दूसरी ओर पहलवानों को राजनीतिक सपोर्ट भी मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, अब तो प्रधानमंत्री जी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत खुद हरिद्वार पहुंच गए हैं और पहलवानों को मेडल गंगा में नदी में ना बहाने के लिए समझाया है। तो वहीं पहलवानों ने कल ऐलान किया था कि वो अपना मेडल जो है हरिद्वार में गंगा जी में बहा देंगे, लेकिन इसी के बीच किसान नेता नरेश टिकैत ने वहां पहुंचकर पहलवानों को समझाया बुझाया और उन सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं इसी बीच अब यूडब्ल्यूडब्ल्यू की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने भी आग्रह किया है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, कल पहलवान जो है हरिद्वार पहुंचे थे अपना मेडल गंगा में बहाने के लिए। वहीं नरेश टिकैत ने 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया है और पहलवानों को समझा भी लिया है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लगातार ये पहलवान जो है वो मांग कर रहे थे और उसके विरोध में ही प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद जो प्रदर्शन स्थल था वहां से पहलवानों को हटा दिया गया और देश को खाली करा दिया गया था। इसके बाद पहलवानों ने कहा था कि वो आमरण अड़सन इंडिया गेट पर करेंगे और हरिद्वार पहुंचकर हर की पौड़ी में अपने सारे मेडल को विसर्जित भी करेंगे। लेकिन वहीं किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत वहां मौके पर पहुंचे, पहलवानों को समझाया बुझाया, तो पहलवानों ने सभी अपने मेडल जो है उनको नरेश टिकैत को सौंप दिए। इसके बाद पहलवानों ने 5 दिन का अल्टीमेटम जल सरकार को दिया है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ
कार्रवाई करें वरना वो आमरण अनशन के लिए मजबूर होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए तो दुनिया भर में कुश्ती का कामकाज देखने वाली संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी बिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जांच की अपील कर दी है और बाकायदा ये कहा है कि 45 दिन के अंदर अगर WFI के चुनाव नहीं हुए तो WFI को निलंबित कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा कदम भी है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से भी देखा गया है। और जिस तरीके से ये माहौल बना हुआ था पहलवानों का और WFI के पूर्व प्रेसिडेंट के खिलाफ जो ये माहौल ये जो विरोध प्रदर्शन का माहौल था जिस तरीके से पहलवान अपनी मांगों पे अड़े हुए थे और अब तक मुकदमा लिखे जाने के बावजूद पास को इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है बिजभूषण सिंह की, उसके खिलाफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने तक संज्ञान लिया है और साफ तौर पर कहा कि अगर 45 दिन के भीतर कोई नया अध्यक्ष चुन के नहीं आता है चुनाव नहीं होता है तो विवेक देखिए कल जिस तरीके से पूरा देश देखा कि जब वहां गंगा हरिपौड़ी पर पहुंचे हुए थे खिलाड़ी तो इसके बाद नरेश टिकैत ने समझाया बुझाया, वहीं अब इसको लेकर केजरीवाल ने ट्वीट भी किया कि देश की आंखों में आंसू आ गए हैं, अब पीएम मोदी को अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। देखिए अगर बात की जाए तो सभी विपक्षी पार्टियां इस समय समर्थन दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर हो रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी इसी मुहिम में कूद पड़ी है और आम आदमी पार्टी के दो मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बकायदा ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथ किया और कहा कि पूरे देश की आंखों में आंसू है इस तरीके की कार्रवाई जो पहलवानों के खिलाफ हो रही है, जहां पहलवानों की सुनी जाने चाहिए थी जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जा रही थी लेकिन यहां बिल्कुल भी पहलवानों की नहीं सुनी जा रही है। पहलवान मजबूर है सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए, गंगा में अपने मेडल विसर्जित करने के लिए। भगवंत मान ने यहाँ तक कहा कि अभी मेडल्स की बारी है, अगर समय रहते नहीं जीते तो लोकतंत्र की अस्थियां भी विसर्जित करनी होगी। तो बहुत बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना अहंकार त्याग कर पहलवानों की सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। जी विवेक देखिए नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को 5 दिन घर पर रहने के लिए कहा है, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं 5 दिन अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 5 दिन में क्या सरकार कोई अपना कदम उठाएगी? देखिए देखने वाली बात होगी कि इस अल्टीमेटम को सरकार किस प्रकार से लेती है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। हमने देखा है कि एक FIR रजिस्टर कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़ा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किए थे लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी बिजभूषण शरण सिंह की नहीं हो पाई है, ना ही कोई रिमांड जो है मांगी गई है ताकि बिजभूषण शरण सिंह का बयान दर्ज किया जा सके। वो खुलेआम मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं और बयान देकर निकल जाते हैं। इसके बाद इस प्रकार से जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो पहलवानों सहित किसान यूनियन के तमाम नेता और महिला समर्थक भी नई संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे जहां उनको रोका गया और जंतर मंतर जो प्रतिष्ठित स्थल बना हुआ था 1 महीने से अधिक समय तक उसको खाली कराया गया था। उसके बाद पहलवान दूसरी जगह जाने को विवश है लेकिन दिल्ली पुलिस का भी उनको दूसरी जगह अलॉट तक नहीं किया है, यहाँ तक कह दिया गया है कि कोई और जगह अलॉट किया जाएगा अगर पहलवान हमसे प्रोटेस्ट स्थल की मांग करेंगे लेकिन जनता मंदिर को अलॉट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब पहलवानों का सब टूटा तो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से मेहनत से तप और तपस्या त्याग बलिदान से कमाए हुए उन मेडल्स को गंगा में विसर्जित करने की बात कही और जिस तरीके से किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत यहाँ पहुंचे थे उन्होंने समझा बुझा के पहलवानों को मनाया। और इसके बाद हम बात करें तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पे लगातार जो है घेरती हुई नजर आ रही है। सर दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद है वो लखनऊ आए थे और उन्होंने बिजभूषण शरण सिंह पर तमाम बातें कही कि वो माफिया है, 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाना चाहती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को पहलवानों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी देश में एक नारी की सम्मान के लिए महाभारत तक का युद्ध लड़ गया था लेकिन ये सरकार बिल्कुल ही कमी है और चुप्पी साध रखी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। वो डीजीपी विजिलेंस डीजी सीबीसीआईडी के साथ कार्यवाहक डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा 30 मई को सेवानिवृत्त हो गए। उनके पहले डीएस चौहान को भी कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत डीजी सीबीआईडी विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। प्रदेश के नए पुलिस मुखिया के पद के लिए डीजी कोऑपरेटिव सेल आनंद कुमार और विजय कुमार में से किसी एक को चुना जाना था। आज मुख्यमंत्री योगी ने आईपीएस विजय कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। तो बता दें कि यूपी के नए डीजीपी विजय कुमार को बनाया गया है, जो कि 1988 बैच के आईपीएस है। 2024 में उनकी रिटायरमेंट है। वहीं यूपी को नया डीजीपी मिल चुका है। कई इस डीजीपी कार्यवाहक है। बता दें कि इस रेस में कई लोग आए थे, लेकिन विजय कुमार को नया डीजीपी कार्यवाहक बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, यूपी को नए डीजीपी कार्यवाहक मिल चुके हैं, विजय कुमार के नाम पर मोहर लगा दी गई है। देखिए, जिस तरीके से मंगलवार को आरके विश्वकर्मा का रिटायरमेंट हुआ है, क्योंकि जिस तरह से डीजीपी की रेस में कई आईपीएस अधिकारी, जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, वो दौड़ में थे, जिसमें की बात की जाए मुकुल गोयल की या फिर आनंद कुमार की, और विजय कुमार भी इस रेस में आगे थे। लेकिन जिस तरीके से अब बात की जा रही है, विजय कुमार को जिस तरीके से कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनात किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस विभाग में वो तैनात रहे, और जो बात की जा रही कि एक होनहार यानी कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो पूरी तरीके से एक्सपीरियंस होल्डर रहा है, उसको इस तरीके का चार्ज दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से यूपी एक बड़ा देश, बड़ा प्रदेश है, और इसके साथ ही प्रदेश होने के साथ साथ क्राइम का जो ग्राफ है वो भी इसको कंट्रोल करना है। लेकिन जो बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से क्राइटेरिया है, यानी कि जो भी डीजीपी बनना था उसका लगभग एक साल का कार्यकाल होना चाहिए, और उस कार्यकाल में लगभग जो विजय कुमार है इनका 6 से 7 महीने का पूरा कार्यकाल है, और ये जनवरी 2024 को रिटायर होंगे इसको लेकर के। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विजय कुमार को चार्ज दिया गया है, इसके साथ इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिस तरीके से तीसरी बार यूपी को केवल कार्यवाहक डीजीपी मिला है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की बात की जाए, जब बीजेपी सरकार आई थी उस दौरान 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाया गया था, जबकि वो स्थायी डीजीपी थे। लेकिन उनके कार्यकाल में देखा जा रहा था क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, और जिसको लेकर सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद मुकुल गोयल को हटाया गया था। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन उनकी दावेदारी इसलिए कमजोर थी क्योंकि उनको वो डीजीपी होने के दौरान उनको उस पद से हटाया गया था। फिलहाल जिस तरीके से आनंद कुमार का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन आनंद कुमार के मामले की बात की जाए तो उनको लेकर के जेल के मामलों में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे और जांच की बात कही जाती थी, इसको लेकर उनकी भी दावेदारी कमजोर हो गई थी। लेकिन अब विजय कुमार को जो चार्ज दिया गया, वो क्राइटेरिया जो था उस क्राइटेरिया में भी ये पूरी कलीम विजय कुमार के लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन देखिए, विपक्ष जो है लगातार हमला कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। वही सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा कहा जाता है कि यूपी में अब कानून व्यवस्था बेहतर है। देखिए, इस मामले में अगर हम बात करें जो विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार निशाना साध ही रहा है। वो निशाना साधने की वजह यह है कि जो सरकार है, सरकार को अब तक स्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी तैनात किया गया है। अब जिस तरीके से कार्यवाहक डीजीपी एक बार फिर से तैनात किया गया है, तो इसको लेकर के भी कई सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ की बात करें वो भी लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि मुकुल गोयल जिस समय थे उस समय क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ा था। उसके बाद जब डीएस चौहान को रखा गया, उस दौरान क्राइम का ग्राफ कम हुआ था, क्योंकि वो लगातार एक्टिविटी पर भी निगाह रख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिविटी रखे हुए थे। उसके बाद जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो आर के विश्वकर्मा को उठाया गया, क्योंकि ये भी एक सख्त आईपीएस अधिकारी माने जाते थे। लेकिन जो अब एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आर के विश्वकर्मा ने भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई, क्योंकि जो चुनाव रहा उस चुनाव को सकुशल संपन्न कराया। लेकिन अब जो
बात की जाए विजय कुमार की, तो इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से होगा उसको लेकर सकुशल संपन्न कराना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो अपराधियों का गढ़ कहा जाए, क्योंकि यूपी में लगातार अपराधी भी अपना ठिकाना बना रहे हैं और उनका गढ़ भी मजबूत होता जा रहा है, इसको लेकर एक बड़ा चैलेंज है अपराध को लेकर के। लेकिन जो कार्यकाल की बात की जाए, जो 6 से 7 महीने का इनका पूरा कार्यकाल अभी बचा हुआ, यानी कि जनवरी 2024 तक जिस तरीके से इनका कार्यकाल है, तो उस कार्यकाल के दौरान अब देखना ये होगा कि क्राइम का ग्राफ जो बढ़ रहा था उसको, उस पर ये किस तरीके से काम करेंगे और क्या पूरी रणनीति रहेगी, क्योंकि इस समय क्राइम को रोकना सबसे बड़ा पुलिस का एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बदमाश लगातार बेलगाम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर वो चाहे लूट की हो, हत्या की हो, या फिर उनके साथ छेड़खानी की हो, क्योंकि इन सभी को लेकर समय समय पर सीएम खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं, अधिकारियों से बातचीत किया करते हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का लगाम नहीं लग पा रहा था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर जो कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था आखिर विजय कुमार कितना दुरुस्त कर पाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिस तरीके से हमलावर हो रही हैं जिस मामले को लेकर, कार्यवाहक को लेकर, कि आखिर सरकार को अभी तक कार्यवाहक डीजीपी मिल रहा है जबकि स्थाई नहीं मिल पा रहा। और इसमें अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग की तरफ से यूपीएससी को किसी तरीके की इस मामले की जानकारी नहीं दी गई, जो ये के पूरी तरीके से सरकार की ओर से ये पूरा जो तैयार किया गया है, क्योंकि जो कार्यवाहक के रूप में तैनात किया गया है, ये सरकार की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई और इसके बाद कार्यवाहक डीजीपी भी चुन लिया गया। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर जो क्राइम का ग्राफ है उस पर ये किस तरीके से काम करेंगे, क्या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो अपराधी सक्रिय हो रहे हैं, या फिर जिस तरीके से जो अभियान चल रहे थे अपराधियों के खिलाफ, रोहिंग्यों के खिलाफ, या फिर पीएफआई, या फिर जिस तरीके से आतंकियों के खिलाफ, इन सब पर भी ये कितना खड़े उतरते हैं, क्योंकि इनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा चैलेंज भी इनके लिए बना हुआ है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर सरकार के इस भरोसे को विजय कुमार किस तरीके से कायम रख सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलीम। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी रिश्तेदार एटा के अलीगंज से विधायक रहे रामेश्वर यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी एटा सहित आसपास के जनपदों में रामेश्वर सिंह यादव जोगेंद्र सिंह की एंड कंपनी की तूथी बोलती थी। आज योगी राज में एक भाई अलीगढ़ की जेल में, दूसरा भाई एटा की जेल की सलाखों के पीछे है। रामेश्वर सिंह यादव व जोगेंद्र यादव पर सैकड़ों मुकदमे हैं। अब तक दोनों भाइयों पर गैंगस्टर, लूट, डकैती, बलात्कार, छेड़छाड़ सहित दर्जनों संगीन मुकदमे लिखे जा चुके हैं। एटा सहित आसपास के जनपदों में प्रशासन द्वारा गैंगस्टर की धारा 14 के एक तहत अब तक करोड़ों रुपए की चल रही अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसी क्रम में कार्यवाही करते हुए मथुरा प्रशासन ने इन सपा नेताओं की करीब 15 करोड़ रुपए की कीमत की कृषि योग्य भूमि को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़े रहे हैं। सागर, सपा नेता पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पर लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उनकी कई संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा चुकी हैं। जी, कुल मिला के आपको बता दूं कि ये समाजवादी पार्टी के एटा के अलीगंज क्षेत्र से पूर्व विधायक थे रामेश्वर सिंह और उनके भाई हैं जोगिंदर सिंह, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। 14/1 गैंगस्टर एक्ट में मथुरा पुलिस ने कार्रवाई की। और आपको बता दूं कि एक भाई अलीगढ़ जेल में बंद है और दूसरा भाई एटा जेल में बंद है। इनके खिलाफ हत्याएं करना और बलात्कार, छेड़खानी जैसे तमाम 86 से 90 मुकदमे दर्ज हैं और इनका एक हिस्ट्री शीटर भी रहा है, पूरा एक इतिहास भी रहा है। सपा की सरकार में इन दोनों भाइयों का हनक रहता था, एटा के आसपास जिलों में इन लोगों का हनक रहता था और एक दबदबा रहता था, लेकिन योगी सरकार में ये दबदबा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, क्योंकि तकरीबन 100 बीघा से अधिक और उसके बाद कई कारें, कई घर, कई मकान, कई रो हाउस इनके सीज किए जा चुके हैं और कई नष्ट नाबूद तबाह भी कर दिए जा चुके हैं योगी सरकार द्वारा। फिलहाल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो दो नेता हैं
जो विधायक है रामेश्वर सिंह और उसके बाद जो पूर्व विधायक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह, इन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और फिलहाल ये दोनों जेल में बंद हैं। और मुझे लगता है कि शायद इन दोनों ने फिलहाल अभी हाल ही में जमानत याचिका भी अर्जी की थी, लेकिन दोनों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। फिलहाल इन पर लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है योगी शासन द्वारा, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही की बात बताऊँ कि मथुरा क्षेत्र में इनका जो इसका जो बेटा है रामेश्वर सिंह का, उसकी ज़मीनें भी सीज की गई, उसकी ज़मीनों पर भी बुलडोजर चला, उसकी ज़मीनों पर भी कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है कि योगी सरकार यहाँ तक थमने वाली नहीं है, फिलहाल अभी और भी कार्रवाई इन दोनों नेताओं पर और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो ऐसे लोग हैं बाहुबली हैं और जो जमीन माफिया भू माफिया, उन पर लगातार कार्रवाई होना संभव बताया जा रहा है। सागर, बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है, प्रशासन की तरफ से अभी आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल नंदनी, जाहिर सी बात है करोड़ों की संपत्ति है, तकरीबन 15 करोड़ की ये संपत्ति, उससे पहले भी 100 बीघा की संपत्तियां चल अचल संपत्तियां भी प्रशासन ने सीज की थी, कई को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया था और कई को सीज किया गया था। फिलहाल मुझे लगता है कि प्रशासन लगातार कई दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले साल से लगातार रामेश्वर सिंह और जोगिंदर सिंह पर कार्रवाई जारी है और ये सपा नेता थे और सपा के काफ़ी जो सपा सुप्रीमो मुलायम माफ़ कीजिएगा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उसके काफ़ी करीबी बताए जा रहे हैं और इन पर कार्रवाई फिलहाल अभी और भी संभव है, क्योंकि देखने वाली बात है कि जब अब तक इतनी कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी चल अचल संपत्तियां हैं, तो अभी और भी होंगी, क्योंकि इनके ऊपर कई आरोप ये भी लगे हैं कि जबरन जो है ज़मीनों को कब्जाते थे, जबरन जो है हस्ताक्षर करवाते थे लोगों का और जबरन अपने एक सत्ता का हनक दिखाते थे, अपने पावर का हनक दिखाते थे, अपने बाहुबल का हनक दिखाते थे, लेकिन अब ये हनक पूरी तरह से मिट गया है, समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है और योगी सरकार लगातार फुल एक्शन मोड में है। जिस तरह से तमाम सपा नेता हैं उन पर कार्रवाई हुई और इस पर भी कार्रवाई होगी और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। तो बता दें कि सपा नेता पर बड़ी कार्रवाई की जा रही, बाहुबली पूर्व विधायक की पर बड़ी कार्रवाई की गई, गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।